हाय हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, तुम लोगों को पता है कि 90s में कैसे लोग रहते थे और उस समय के जो स्ट्रक्चर्स होते थे 15th सेंचुरी के कैसे होते थे। तो ऐसी ही स्टोरी खेलेंगे आज द पैलेस ऑन द हिल में, जहां एक छोटा सा लड़का जो बहुत ही पुअर फार्मर फैमिली से बिलोंग करता है और वो कैसे सर्वाइव करता है, उसकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। सो लेट्स बिगिन। बहुत ही प्यारी सी सुबह हो रही है और ये है हमारा कैरेक्टर वीर, छोटी सी फैमिली में बिलोंग करता हुआ लड़का। तो कला आर्ट कॉलेज रैंक नंबर 1 इन द कंट्री। अच्छा, इसको आर्टिस्ट बनना है, पेंटर, और एक पेंटिंग भी है जो कि बहुत ही सुंदर एंड खूबसूरत है। और मैथमेटिक्स में लिखा है क्लास 11, तो ये क्लास 11 में पढ़ता है। ओके, थोड़ा और एक्सप्लोर करते इसके रूम को। एक कबर्ड है जिसमें बहुत ही कम सामान है, वाइट कलर का किड्स कॉर्नर में पड़ा हुआ है। मम्मी की फ़ोटो, आर्ट्स में फर्स्ट आया है, वाओ, तो बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट है ये। बट देखते हैं इसके लाइफ में क्या ट्रेजेडी आती है। ओके, सो चलते हैं नीचे। आई थिंक खिड़की से कुछ नहीं दिखेगा, यहाँ कुछ इंटरैक्ट, नो, यहाँ कुछ नहीं है देखने के लिए। तो हम लोग थोड़ा बाहर की जगह को एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ चारपाई में बैठा हुआ एक बंदा दिख रहा है, जाके बात करते हैं। अच्छा, ये पापा है वीर। अभी तक स्कूल के लिए तैयार नहीं हुए तुम? अच्छा, तुम्हारे स्कूल में छुट्टियां है? बेटा, एक बात करनी थी तुमसे। इस साल हमारी फसलों में काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी कर्जा चढ़ गया है, हमें बहुत मेहनत करके गुजारा करना पड़ेगा। तुम्हें अब खेत में काम करना पड़ेगा, यही हमारी ज़िंदगी है। मेरे पास ये टमाटर के बीज हैं, इनको लगाओ और पानी दो, लगाने के बाद मुझे बताना। गाइस, मुझे टमाटर के सीड्स मिले हैं, तो इसको मैं सोच रही हूँ, बगल वाले में मैंने प्लॉट देखा था, यस, इस जगह पे इनको हम लोग सो करेंगे, एक यहाँ। ओके, पानी भी देना पड़ेगा। ओके, दूसरा वाला इधर, गुड, तो ये वाला हो गया। अब पानी लाना है, तो कॉर्नर में हैंडपम्प दिख रहा है, तो इसको चलाने का, ओ अच्छा, तो पानी निकल आओ, ये तो बहुत ही हार्ड है मेरे लिए, लिटिल बिट। ओके, ऑलमोस्ट, बस ये भर जाए, दैट्स एनफ। ओके, भर लिया। अब पौधों को पानी दे देते हैं, दोनों टमाटर के पौधे जल्दी से फटाफट बड़े हो जाएंगे और एकदम लाल लाल ताज़े ताज़े टमाटर मिलेंगे गाइस हम लोग को खाने के लिए। तो खेती तो हमारी हो गई है शुरुआत, अब क्या करना है, पापा से बात। अच्छा काम किया, अब और बीज लेके लगाओ अपने खेत में, अपने पौधों की देखभाल करो, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। अब बाज़ार में जाके शाम को मिलो, वो साहूदार की दुकान पे होगा। ओके, तो अभी हम लोगों को शाम की दुकान पे जाना है, शायद अब कुछ काम करना पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता इसका जो आर्टिस्ट बनने का सपना है वो अभी हो पाएगा, बिकॉज़ responsibilities are more needed to be done than dreams sometimes for some people. तो ऐसा नहीं है कि ये पापा खेत में काम कर रहे और इतना छोटा सा खेत है, एकदम छोटा सा, obviously इसमें भी जो उगाएंगे वो भी अगर ख़राब हो गया तो totally waste of money है। तो यहाँ कुछ चिकन से, वाओ, दे लेड एग्स, तो अंडे ले लेते हैं। ओ, हम मैं ले सकती हूँ अंडे, गुड, तो हम लोगों को 3 अंडे मिलेंगे, यस। और ये रेनबो कलर का एक चिकन है, काइंड ऑफ LGBTQ जैसा कलर है इसका। और यहाँ कुछ पौधे हैं, शायद इसको हम लोग उठा सकते हैं, यस, इसको भी हमने ले लिया। पता नहीं ये क्या तो था, इंडियन क्रेस, आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट, ये तुलसी जैसा पौधा लग रहा है, इसको भी उठा लेते, क्या पता कभी काम लग जाए। और यहाँ मिट्टियों के सामान बनाए जा रहे, तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, पापा ने कहा है कि शाम से मिल ले, तो उसको मिल के ही आते। तो ये मिल गया शाम, यही है सोने की दुकान। आह वीर, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, तुम्हारे बाबा ने मुझसे बात की थी, मैं उनका दुख समझता हूँ, तुम अब बड़े हो गए हो, अब और ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैंने ढाबे पे देवी से बात की है, वो तुम्हें काम पर रख लेगी, जाकर उनसे बात करो और मुझे बताना बाद में। एक सेकेंड रुको, एक पार्सल देवी के पति ने भेजा, उसको दे देना, ये उनको दे दो। ओके, तो मुझे पार्सल देना है देवी को,
तो यही और देवी है, किसी को देते तुम मेरे लिए कुछ लाए हो क्या है इसमें? रवि ने मेरे लिए इतनी सुंदर साड़ी भेजी है, ये तो कोटा सिल्क के बहुत महंगी होगी। जब से शहर गए हैं उनकी बहुत याद आती। मुझे याद है वो दिन हमारी शादी के बाद जब हमने ये धाबा शुरू किया था, फिर वो अच्छी जॉब के लिए शहर चले गए, अब मेरे लिए ये दुकान संभालना मुश्किल पड़ रहा है। अच्छा हुआ कि तुम आ गए काम करने, पर काम तुम्हें अच्छे से मन लगा के करना पड़ेगा। मेरे लिए चाय बना के लाओ, वो पुरानी मिट्टी की रसोई इस्तेमाल करो, पुराना बर्तन टूट गया है, तुम्हें नया बर्तन बनाना पड़ेगा लता की दुकान से। चाय पत्ती और तंदूर आसपास ही मिल जाएगा तो ओके। अब हम लोगों को बर्तन, ये चाय पत्ती लग रही है मुझे, इसको हम उठा लेते हैं। वाओ ग्रेट। और ये लकड़ी भी चाहिए तो ये लकड़ी भी ले लेते हैं क्योंकि रसोई में चाहिए होगा। तो लता की दुकान पे जाना पड़ेगा, पहले तो बर्तन बनाना पड़ेगा। तो मैं लता की दुकान पे आई हूँ। वीर, काफ़ी समय से तुम्हें नहीं देखा, पढ़ाई में बिज़ी हो गए? मैं भी बहुत बिज़ी हूँ आजकल काम में, मिट्टी के बर्तनों के काफ़ी ऑर्डर आ रहे हैं। बर्तन? तुम देवी की पुरानी रसोई वापस चला रहे हो, बहुत अच्छा है, उस रसोई में बने पकवान बहुत स्वादिष्ट होते। तुम मेरे पुराने मिट्टी के बर्तन बनाने वाले पहियों का इस्तेमाल कर सकते हो, मैं तुम्हें सिखा दूँगी। बस तुम्हें चिकनी मिट्टी चाहिए होगी, ज़्यादातर चिकनी मिट्टी नदी के किनारे मिलती है। तो ओके गाइस, तो हम लोगों को अभी नदी के किनारे जाकर कुछ मिट्टी इकट्ठा, यही लगता है वो मिट्टी है। तो मुझे दो मिट्टी चाहिए थी तो दो मिट्टी मैं लाई, और अभी हमारे बर्तन बन रहे जो कि बन के रेडी हो गए। अब फटाफट से दुकान में जाते क्योंकि बर्तन भी है, चाय पत्ती भी है एंड लकड़ी भी है। तो पहली चाय बनाते हैं प्रिपेयर। तो चाय हमारी बनना शुरू हो गई है। यस हो गया, अब इनको पिलाते हमारी बनी हुई चाय। चाय बना ली, देखते हैं कैसी है। ओके, शी लिटरली हैविंग सिप ऑन इट। ये चाय पी के क्या बोलती है, पूरी नहीं है तुम्हारी पहली चाय? अब तुम और चाय पकवान बना सकते हो, ग्राहक को खुश रखो और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। टी टाइम पे आ जाना, सब लोग उसी टाइम पे आते हैं। ओके गाइस, तो अभी हमारे पास ढेर सारा टाइम है। तो सैम ने कहा था देवी से बात करने के बाद वापस आने, तो उसी से सब बात करते हैं। काम मिल गया तुम्हें? देवी सख्ती से काम करवाती है लेकिन पैसे वो दे देगी, समय पर और अच्छे से काम करना। एक और बात, मैं बस अभी हेडमास्टर प्रेम से बात कर रहा था, वो कुछ स्कूल इवेंट के लिए साफ़ सफाई करवाने वाले, तुम जाके साफ़ सफाई का काम करो, वो तुम्हें पैसे दे देंगे। जाओ उनसे स्कूल में जाके मिलो, बताना फिर आके क्या होता है। तभी हम लोग जा रहे हेडमास्टर के पास काम लेने। तो ये है मास्टर, भगवान तुम्हारा भला करे। ओके, डीएम साहब मेरे पीछे पड़े हुए हैं गांव में सांस्कृतिक प्रोग्राम करवाने, कहते हैं कि गवर्नमेंट का ऑर्डर है। मैं तुम लोगों के एग्ज़ाम पेपर मार्किंग में उलझा हुआ तो मैं तो भूल ही गया था। टीचर बताते हैं कि तुम पेंटिंग बहुत अच्छा करते हो, मैंने तुम्हारा नाम भी डाल दिया। अपनी गर्मी की छुट्टियों में सब पेंटिंग बनाना, सब जिम्मेदारी से करना। तो फिर सफाई का काम? हाँ हाँ, वो भी करना है। जो ये हॉल है मेरे पीछे, ये चाबी लो, उसमें साफ़ सफाई करो और पेंटिंग डाल दो, ये लो। तो अभी हमें चाबी मिल गई गाइस, पहले हम लोग को साफ़ सफाई करनी है। तो बहुत ही ज़्यादा कचरा है, इन सब कचरे को हम लोग को फेंकना है। ओके, तो मैंने ऑलमोस्ट कर ही दिया है गाइस। और ये जो दीवार है सामने इतना खाली, यहाँ हम लोग को अपना पेंटिंग चिपकाना है। तो अभी तो घर में जाते हैं और पेंटिंग बनाने का काम शुरू करते हैं। खिड़की से नज़ारा, हर सुबह इस नज़ारे को देखता हो, इस पेंटिंग के लिए रेफरेंस मुझे गार्डन से मिलेगा। तो पहला रेफरेंस है हमारा हैंडपम्प साफ़ और मीठे पानी का साधन, पर कभी कभी गंदा पानी भी आता है, पर कोई बात नहीं, गुड, ही सो हम्बल। नेक्स्ट, हमारा खेत, पिताजी बहुत मेहनत करते पर कभी कभी फसल में नुकसान हो जाता है। अच्छा, उसके बाद वाला रेफरेंस कहाँ मिलेगा हम लोगों को? ये है छोटा सा गार्डन। ओके, ये बागीचा माँ संभालती थी, उनके गुजरने के बाद अब बस पौधा ही बचा हुआ है। ओके, दैट्स सैड। एंड लास्ट वन इज़ अ ट्री, सुंदर छायादार पेड़ जिस पे बचपन में चढ़ते थे। ओके, तो हम लोगों को पेंटिंग का रेफरेंस मिल गया, अब पेंटिंग बन रही है गाइस। इट्स अ ब्यूटीफुल पेंटिंग विथ हैंडपम्प, खेत, पेड़ पौधे, फ्लावर, सब कुछ है।
तो पेंटिंग बन गया है, तो फटाफट से जाते हैं हम लोग स्कूल और उस दीवार पे ये पेंटिंग को चिपका के आते हैं। तो हम लोग आ गए स्कूल, अभी भी मास्टर जी बिज़ी है पेपर चेक करने में। हम लोग गए, ये पेंटिंग हम लोगों को चिपकानी है, मतलब ऐसे बहुत सारे हम लोगों को बनाने होंगे। तो पहली पेंटिंग हमने लगा दी गाइस, अभी टी टाइम होने ही वाला है तो मुझे लगता है कि फटाफट से जाना चाहिए मुझे दुकान। बहुत बढ़िया, अब मेहनत करो और पूरी दीवार पे अपनी पेंटिंग चिपकाओ। बड़े सरकारी लोग आने वाले, उन सबको मेरा काम अच्छा लगना चाहिए, मतलब स्कूल का काम अच्छा लगना चाहिए। ये लो सफाई के पैसे रख लो। ओके गाइस, हम लोग को 50 रुपीज़ मिले, ये तो मैं चाय की टपरी में आ गई और ये चाय का पेड़ फिर से बड़ा हो गया, तो इसको लेके रख लेते हैं क्योंकि कितने कस्टमर आने वाला आई डोंट नो। और यहाँ और एक पेड़ दिख रहा है, इसको भी ले लेती हूँ, ये लकड़ी दिख रहा है, इसको भी ले लेती हूँ, अभी चाय टाइम होने ही वाला है। अच्छा चाय टाइम हो गया गाइस। एक कस्टमर, मैं देखने आई थी कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, अब कुछ चाय बना के लाओ, पूरा दिन काम करके थक गई हो, अब बस एक गर्म चाय चाहिए। तो फटाफट से हम लोग चाय बनाते हैं गाइस हमारे कस्टमर के लिए, वो भी फर्स्ट कस्टमर। चाय बन गई है एंड मैंने परोस दी चाय, आह यही चाहिए थी। हमारे पास एक पुरानी चारपाई है, एक काम करो उसे यहाँ रख लो, कुछ और ग्राहक आ जाएंगे, कल वर्कशॉप से रात से ले लेना, तुम इस चाय की दुकान को और बढ़िया चला सकते हो। ओके गाइस, हमारा फर्स्ट कस्टमर हैप्पी है और हमें अब एक चारपाई भी मिलने वाला है। तो अब दुकान को करते हैं बंद क्योंकि रात हो चुका है और घर जाना है और बहुत सारा काम है, पेंटिंग बनाने का, चारपाई लाने का, बहुत कुछ। ये लकड़ी फिर से दिख रही है, ले लेते, कल काम आएगी। तो बहुत अंधेरा हो गया है गाइस, तो फटाफट से घर जाते हैं। एक लालटेन जल रही, सुनो ज़रा। तो गाइस ये जो लड़की जो बुलाई, ये लड़की कौन थी, क्यों बुलाई थी, ये हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।